आज तुमने कौन कौन से ध्वनि को सुना? जितना हो सके उतना याद करने का प्रयत्न करो। शायद तुम्हारे दिन की शुरुआत घड़ी के अलार्म से हो गई होगी। शायद मुर्गी की ध्वनि। तब से तुमने जो अलग अलग ध्वनि सुनी उनको याद करने की कोशिश करो। नहाते समय पानी की ध्वनि, नाश्ता करते समय तुम्हारे चबाने की ध्वनि, तुमने दरवाजा बंद करते समय उसकी करकर आवाज, पंछियों की किलकारी और कुत्तों का भौंकना और ट्रैफिक का शोर। वातावरण में दो प्रकार की आवाजें मुख्य रूप से गूंजती हैं, प्राकृतिक आवाज और दूसरी मानव निर्मित आवाज। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ध्वनि का निर्माण कैसे होता है? ध्वनि का निर्माण किसी भी वस्तु के कंपन से, हिलने से होता है। कंपन की दिशाएं दाएं बाएं ऊपर नीचे की ओर होती हैं। आगे पीछे होने से होता है। जब भी कोई ध्वनि तुम सुनते हो तो तुम्हें पता चलता है कि कुछ तो कंपित हो रहा है। इस मधुमक्खी का गुंजन उसके पंखों के कंपन से आता है। ड्रम पर जो चमड़ी होती है वो बजाने पर कंपित होती है और ध्वनि का निर्माण होता है। कान एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। वो हमें सुनने की क्षमता देता है, किंतु सवाल ये उठा है कि समस्त कंपन हमारे कान तक कैसे पहुंचते हैं? सभी कंपित वस्तुएं किसी न किसी माध्यम से घिरी होती हैं। अधिकांश समय हवा ही माध्यम होती है। ये हवा ही होती है, किंतु वो पानी अथवा स्थायु भी हो सकते हैं। आमतौर पर कंपन देखने के लिए बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो ये कंपन पास की हवा को भी कंपित करते हैं। हवा में कंपन आगे बढ़ते हैं और इन प्रवास करने वाले कंपनों को ध्वनि तरंग कहा जाता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है और फिर वो ध्वनि तरंगों में रूपांतरित हो जाती है, तब ध्वनि तैयार होती है। उदाहरण के लिए, जब तुम ताली बजाते हो तब तुम्हारे हाथों की गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है और वो ध्वनि तरंग का निर्माण करती है। इस रबर बैंड को हम हुक से लगाते हैं। रबर बैंड को हम एक हाथ से खींचेंगे और दूसरे हाथ से उसके बीच में खींच कर छोड़ेंगे। क्या तुम कंपन देख सकते हो? उससे आने वाले ध्वनि को सुनो। जब कंपन खत्म होने लगते हैं तब ध्वनि शांत होती है। जैसे जैसे कंपन धीमे पड़ने लगते हैं और अंत में रुक जाते हैं, ध्वनि भी रुक जाती है। सैंड पेपर को धीरे से लकड़ी पर घिसने की आवाज को सुनो। हल्के से और जोर से दबाकर धीरे और गति से घिसो, ताकि विविध ध्वनि सुनने को मिले। हम साइकिल के स्पोक्स लेंगे और मेज पर हल्के से बजाएंगे। तुम छोटी और तीक्ष्ण ध्वनि सुनोगे। अगर हम जोर से बजाएं तो हमें ऊंची आवाज आएगी। ठीक वैसे ही धातु की छड़ियों से ध्वनि की विविधता खोजने की कोशिश करो। जो भी वस्तु कंपित होती है वो ध्वनि का निर्माण करती है, क्योंकि पास की हवा को भी ये कंपन कंपित करते हैं। इस कृति में तुमने रबर बैंड, सैंड पेपर और साइकिल की स्पोक्स को कंपित किया। संगीत के उपकरण भी कंपन के माध्यम से विविध मार्ग से ध्वनि का निर्माण करते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में रूपांतरित करता है। उसके भीतर पेपर का एक कोण होता है जो कंपित होता है। सारांश, हमने अनेक प्रकार के ध्वनियों की चर्चा की। ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है। सभी कंपित होने वाली वस्तुएं माध्यम से घिरी होती हैं। प्रवास करने वाले कंपनों को ध्वनि तरंग कहते हैं। उसके वर्णन के लिए जो संज्ञाएं इस्तेमाल की जाती है वो हम अगले भाग में सीखेंगे।